सर, कास्ट सेंसस को लेके पीएम से जो डेलीगेशन मिलने की बात थी, क्या उसमें कोई बात हुई है या आप लोग मिलने? नहीं, हमने पत्र भेज दिया, समय मिलेगा उसके बाद ही। सर, कास्ट सेंसस को लेके पीएम से जो डेलीगेशन मिलने की बात थी, क्या उसमें कोई बात हुई है या आप लोग मिलने? नहीं, हमने पत्र भेज दिया, समय मिलेगा उसके बाद ही। आपके एमपी अमित शाह से मिले, पीएम से नहीं मिल पाए, जबकि जित संतोष मांझी से कल पीएम के एमपी लोगों ने लिख कर के दिया, वहीं से आया, तो अमित शाह जी से भी लोगों ने बातचीत किया है और अपनी बात रखी। सर, फोन टैपिंग मामले पर सरकार ने कहा है कि कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 साल देरी के बाद आखिर क्यों शिकायत की गई है? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट देख ही रहा, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। केंद्र ने कहा है कि सर कोई सबूत नहीं मिला है, तो सब कुछ भी बात है, तो एक एक चीज तो सामने आएगा ना कि कहाँ पर क्या हुआ, तो इसके लिए तो बात हुई। जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह कोर्ट में कोई मामला है, तो फिर उसमें सोचना क्या? सर, कल जो केंद्रीय कैबिनेट ने नॉर्थ बिहार में और इस साउथ बिहार में हर जगह पर ये स्थिति है, तो आज हम इसी को देखने के लिए हम निकले, क्योंकि जो कुछ भी हमने देखा है और हर दिन यहाँ से जो खबर आती है किस जगह के बारे में कि कहाँ पर क्या नदियों की स्थिति है, सारी खबर इन्हों के डिपार्टमेंट के द्वारा जो उसको मिलता है, तो उसके बाद उसको देखते हुए और जो समाचार पत्रों में भी खबरें छपती हैं, और फिर कई लोग अपने अपनी जगहों से हमारे यहाँ फ़ोन करके जो बात बताते हैं, उसके आधार पर हमको ये लगा कि बहुत ज़रूरी है इसको देखना, और ताकि तत्काल लोगों के हित में और लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम ठीक ढंग से हो सके। नदी जोड़ो योजना के बारे में और उसके साथ और लोग जा कर के पूरे तौर पर हमें बता दिया है, इसको पूरे तौर पर देख लीजिए, और यहाँ तक कि टाल वाले एरिया को भी देख लीजिए, जो खतरा हो सकता है वहाँ। और एक दिन उसके तुरंत बाद गया और यहाँ जहानाबाद, ये दोनों को पूरे तौर पर ये लोग और वहाँ के भी DM को दिखवा दें, और फिर ये सब होने के बाद सब चीज़ को देखते हुए फिर हम नेक्स्ट वीक एक बार जाएंगे और पूरे तौर पर और हम दोबारा देखेंगे। वैसे हमने जो रूट बताया था उससे थोड़ा अलग ये लोग कर लिए थे, तो जो हम रूट बताए हैं लोग जानते हैं, सब एरिया से हमने संबंध रहा, तो सब बात जानते रहे, कभी कभी जो कुछ हुआ है, तो एक बार तो हम और देखेंगे, क्योंकि लग रहा है, जो हमको लगा है आज, कि खतरा बढ़ सकता है। अभी तो धीरे धीरे थोड़ा नियंत्रित करने के लिए भी जो काम करना है इन लोगों ने करना शुरू किया है, लेकिन फिर वर्षापात होगा और गंगा नदी का जैसा हमने बता दिया जल स्तर और ऊंचा होगा, फिर वैसी स्थिति में उधर से निकलने वाले नदियों का पानी उस पर गिर जाएगा, रुकेगा और ज़्यादा फैल सकता है। सर, छोटी नदियों का प्रकोप ज़्यादा है, छोटी नदियों का जाएगा तो ज़्यादा उससे एडवांटेज मिल सकता है। एक तो पानी को सुरक्षित करने का भी हो जाएगा, बाकी जहाँ पर भी जल का संकट होता है वह संकट दूर होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी का जो विषय है ना, अभी का विषय है लोगों को राहत देने के लिए हर प्रकार से काम करें।